Assalamu alaikum everybody, welcome to Android Development Course for Beginners. आज की वीडियो में जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम Android Studio को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. तो I'll be moving on to my screen and then you can follow my screen to follow the instructions to download the Android Studio in your machine. जी गाइस, तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन. मैं ये एक विंडोज़ 10 के ऊपर इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ. और आप कोई भी विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. आप अपने मैक के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो आपने अपने किसी भी ब्राउज़र पे google.com पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो और आपको पहला लिंक मिलेगा विच विल बी developer.android.com. मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकेंगे. जब हम इस लिंक पे जाएंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे जाएंगे तो हमें एक बटन नज़र आ रहा है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो. तो आप क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे. जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे. आप सिंपली इसको स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आई हैव रेड एंड एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बाद आप डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करेंगे और आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो अब हम आगे मिलते हैं जब इसकी एंड्रॉयड स्टूडियो की डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब हम देखेंगे कि हम आगे इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे. जी गाइस, तो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो चुका है. जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो पड़ा हुआ है. तो हम क्या करेंगे, हम इस एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करेंगे. आपको ये कुछ इंस्टॉलेशन का सेटअप का कुछ नज़र आएगा और उसके बाद कुछ सेकंड के वेट के बाद आपके पास एक एंड्रॉयड स्टूडियो की विंडो आ जाएगी. ये आपसे पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू अलाउ, आप इसको येस कर देंगे. और यस करने के बाद आपके पास ये एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा. एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटअप में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे आप अपनी डायरेक्टरी बता सकते हैं कहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं. हम इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं. हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और अब एंड्रॉयड स्टूडियो अपनी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर रहा है, जिसमें इसका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो चलेगा. जी, तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो की जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है. अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और अब हम क्लिक करेंगे फिनिश पे और हम स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का जो चेक बॉक्स था उसको चेक ही रखेंगे. अब आपके पास जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद वो स्टार्ट हो गया है, तो आपने क्या करना है, डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स को चूज़ करना है. आप ओके पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये कुछ विंडो आ जाएगी एंड्रॉयड स्टूडियो की. और ये अभी कुछ इसकी फाइल्स डाउनलोड कर लेगा, तो हम इसका भी कुछ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. दैट इज़ फाइन. ओके, अब हमें एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कुछ चीज़ें सेटअप करनी हैं, जिसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ. तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आप स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे, आप नेक्स्ट करेंगे. आप अपने थीम के अकॉर्डिंग, अगर आप डार्क थीम रखना चाहते हैं, लाइट थीम रखना चाहते हैं, हम डार्क थीम के साथ चलते हैं. और ये कुछ चीज़ें हैं कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो अब डाउनलोड करेगा और फिर इनको इंस्टॉल करके अपना सेटअप कंप्लीट करेगा. तो जब आप नेक्स्ट करेंगे, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है. आप उस पर एक्सेप्ट पे क्लिक करें और आप इसको कम्प्लीटली रीड आउट कर लें और फिर इस पर क्लिक करें. सबसे पहले आपने एंड्रॉयड SDK लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. फिर आप इंटेल एंड्रॉयड एक्स्ट्रा लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे. जब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग आप देख रहे हैं, ये शो कर रहा है स्टार्टिंग डाउनलोडिंग. तो ये कुछ डेटा को डाउनलोड कर रहा है और जब ये डेटा डाउनलोड हो जाएगा ये कम्प्लीटली, तब हम आगे अपने प्रोसेस में चलेंगे. जी गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि हमारे पास ये जितने भी कंपोनेंट्स एंड्रॉयड स्टूडियो ने डाउनलोड करने थे वो डाउनलोड कर लिए हैं. और अब हमारे पास एक फिनिश का बटन आ गया है कि जिस पे हम क्लिक करेंगे फिनिश पे और अब हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ रेडी टू क्रिएट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस. तो आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही.
अगली वीडियो में हम एक बेसिक एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे कि जिसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकेंगे। आप यूआई के अंदर हम एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाएंगे, अगर हम इसको प्रोग्रामिंग सेंस में कहें तो एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाएंगे, आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और आप उसको अपने फ़ोन में देख भी सकेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स यू सो मच।